Tonight, our top story. Prime Minister Narendra Modi filed his nomination from Varanasi today. Mr. Modi was accompanied by the UP Chief Minister Yogi Adityanath and several other chief ministers of the NDA and BJP. Also present were the four people who had proposed his name earlier: Pandit Ganeshwar Shastri, Baijanath Patel, Lalchand Kushwaha and Sanjay Sonkar, representing Brahmin, OBC and Dalit communities. The Prime Minister declared assets worth 3 crore rupees in an election affidavit. Later, in an exclusive interview to India Today by the banks of the Ganga, the Prime Minister asserted that the BJP is still aiming for 400 power, and then went on to claim that the Congress will not win a single seat in UP, including Rai Bareli, where Rahul Gandhi is contesting from. The Prime Minister's remarks drew a sharp response from Congress leader Priyanka Gandhi Vadra. Listen in to what the Prime Minister said and how Priyanka Gandhi Vadra then responded. यूपी की 2014 में 71 सीटें हमने देखी थी, आपने जीती थी 2014 में, 62 सीटें 2019 में जीती थी. अब 2024 के लिए क्या है लक्ष्य उत्तर प्रदेश को लेकर आपका? हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है जी. उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा. हाँ. कोई कमी नहीं रहने देगा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा. यहाँ पे खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा. रायबरेली से तो राहुल गांधी मैदान में है. वो मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवार है और मीडिया के लोग उस परिवार को बहुत संभाल भी रहे हैं, और शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी पिछले 7-8 साल में, तो वो संभाले, मुझे उसके लिए कुछ कहना नहीं है. मैं तो जमीन का आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ. और ये भी कह रहे हैं आप 40 सीटों के आसपास रहेगी कांग्रेस, तो क्या दक्षिण भारत से उसका सूपड़ा साफ होने जा रहा है? मतलब राजनीतिक पंडित साफ मानता हूँ कि वो वायनाड क्यों छोड़ना पड़ा, उनको क्यों भागना पड़ा, वो पराजय देख चुके हैं. और वायनाड से भागने के बाद रायबरेली आने के निर्णय के पहले उन्होंने अपनी भाषा टोन बहुत ही तीखा कर दिया है और अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं, तो केरल ने उनको बहुत सबक सिखा दिया है. केरल शायद उनको पहचान गया है. उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा चलो भाई बड़े उदार चरित लोग हैं यहाँ के, तो उन्होंने चलाया. अब वो कहते तुम हमें दगा दे करके भाग गए थे, चलो भाई अमेठी से हार गए, एक बार भी आए थे क्या? मान ली हार गए, एक बार भी आए थे क्या? यहाँ सपा के साथ है वो. ऐसा है किसके साथ है वो? पहले भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों निकल चुके थे. ये दो नौजवान भी पहले रील उतारते थे ट्रक पे चढ़ करके, काली बंडी पर जन जैकेट पहन करके, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों को पहचान गई है. और उत्तर प्रदेश की जनता ये परिवारवाद को स्वीकार नहीं कर सकती है. उसने देखा है कि और एक अल्टरनेट मॉडल है जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलता है, और योगी जी के नेतृत्व में ये चीजें हुई है, परिवर्तन आया है और उसका असर है. और मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे कहा था ना कि ये काशी का, तो मैंने कहा माँ मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सपा की सरकार है, तो उनको मालूम नहीं था सपा क्या होता जी जी. लेकिन मैंने कहा ये चुनाव में हम जीतेंगे. हाँ. उसके बाद मैं कर पाऊंगा क्योंकि हमें मालूम है, तो लोगों को पता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार होना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम भाग्य है. रायबरेली अमेठी में है, शर्मा जी भी साथ में आपके चल रहे हैं, क्या समीकरण देख रही हैं? जीतेंगे शर्मा जी, राहुल जी भी जीतेंगे. जनता समझदार है, यहाँ की जागरूक है, सही निर्णय लेगी. और आपने भाजपा की सांसद के बारे में पूछा, वो तो यहाँ आई एक मकसद से थी, राजनीतिक मकसद से आई, तो उनका क्या रिश्ता है? वो तो 40 साल लगेगा रिश्ता बनाने में, तो बनाए. वो ने कहा कि यूपी में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, इस पर आप देखा जाएगा. मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, अगर वो हैं तो बहुत अच्छा. आप